दिया जाएगा, बट चलिए जो फुटस्टेप से वो सुनाई दे चुके हैं। और सेमीफाइनल में मिरामार का ही मैच था जहां पे टीएसएन के प्लेयर ने गॉडलाइक को बैन करा था, और इस वक्त एक बार फिर से क्या वो जो बदला है गॉडलाइक का वो निकालेंगे या नहीं, थोड़ी वक्त में हमें वो पता चलने वाला है। बट जेली वहां पे वो दिखाई हमें जरूर दिए, नियो जी गॉड एक साथ हैं, जॉनाथन क्लच गॉड वो एक साथ रहेंगे। टीएसएन की बात करी जाए इस वक्त दो प्लेयर कंपाउंड में है, बाकी निंजा जॉट ब्लेज वो थोड़ा सा ओपन में है, स्मोक्स चले गए हैं। डैमेज की बात करी जाए दी जा सकती है जॉनाथन, उन्होंने वहां पे प्लेयर को स्पॉट भी करा था। ब्लेज की बात करें वो ऊपर गए, उनको फुटस्टेप सुनाई दे रही है, ये ग्रेनेड शायद ठिकाने पे गिर सकता है और वहां जो प्लेयर है वो नॉक होगा। डैमेज बहुत ज्यादा बट नॉक नहीं हुए, बट जॉनाथन को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पास हीलिंग नहीं। बट टीम एक्स पार्क के आप प्लेयर को देखें पीछे वो मौजूद है, शायद थर्ड पार्टी के लिए एक बार सोच सकते हैं, बट जो दोनों प्लेयर नॉक होते होते बचे हुए इस बार अपने आप को हील करने में कामयाबी पाएंगे। बिल्कुल, स्मोक का कवर वहां पर मौजूद जरूर से रहने वाला है, जो टॉप टू टीम से अभी उनके बीच में हमें यहां पर फाइट देखने को मिल रही है। नियो एक बहुत ही बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट किया और अब आगे की तरफ जा रहे हैं, जहां से वो स्पॉट कर सकते हैं खिलाड़ी को। टीएसएन का कोई आइडिया नहीं कि प्लेयर वहां पर मौजूद, और आप देखिए व्हीकल बस्ट होगा, दो खिलाड़ी डाउन, टीएसएन के निंजा जॉर्ज वो डाउन ऑलरेडी हो चुके हैं। और वहां पर देखते हैं पैंक इस्तेमाल होगा यानी एक्वानॉक्स ओपन में, आतुर को भी स्पॉट किया जाएगा, शैडो वहां पर, लास्ट मैन स्टैंडिंग है, गॉड लाइक के खिलाड़ी यहां पर गॉटियर परफॉर्मेंस दिखाते हुए आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव करे तो उनको फिनिश ऑफ किया। आप देखिए एक भी प्लेयर उनका यहां पर नॉक तक नहीं हुआ, और वो जो जो पहले पायदान की गद्दी के लिए जो रेस थी वो खुद आए और उन्होंने दिखाया कि कौन डिजर्व करता है पहले पायदान को। बिल्कुल, और इसी के साथ जो दूसरे पायदान की टीम थी वो एलिमिनेट हुई, टैक्टिकल वो भी एलिमिनेट हो गई है, एक मात्र फिनिश उनके पास रहने वाला है। बट एक और बेहतरीन टीम के साथ गॉड लाइक की जो फाइट है वो हमें देखने को मिलने वाली है, कोई और नहीं है, उनका नाम है टीम एक्स पार्क की स्क्वाड। फिलहाल के लिए वो जो ग्रेनेड था वो ड्रॉप करके वहीं पे फेंका गया, बड़ा इलेक्ट्रॉन डाउन हो जाएगा सी गॉड के द्वारा, स्काउट की बात करें क्लच गॉड के हाथों वो भी डाउन किया जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके, मावी वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं कि देखते ही देखते बैक टू बैक क्या दो स्क्वाड एलिमिनेट करी जाएगी टीम गॉडलाइक के द्वारा, देखना पड़ेगा। ग्रेनेड की बारिश अभी भी चलती हुई है, ये वाला ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली ठिकाने पे गिरेगा, बट चलिए नहीं, थोड़ा सा दूर गया, स्काउट डाउन है, रिवाइव किया जाएगा गिल के द्वारा। बट मुझे जहां तक उम्मीद है टीम एक्स पार्क का भी सफर यहीं पे खत्म हो सकता है, क्योंकि अब वो फंस गए पीछे और भी स्क्वाड उनका इंतजार कर रही होगी। ओह माय गॉड, टीम गॉडलाइक 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके, और अब अगले स्क्वाड को वाइप करने की तैयारी। जॉनाथन को आप देखिए क्या बड़ी एंगल उनके पास मौजूद है, स्काउट एंड किल दो खिलाड़ी यहां पर मौजूद, व्हीकल लेकर के जाने की कोशिश लेकिन वो डिनाई किया जाएगा, स्काउट अभी के लिए आगे की तरफ जाएंगे, पीछे तो उनको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। गिल यहां पर मौजूद, जो स्मोक है उसके अंदर कुछ प्रेडिक्टिव स्प्रे जरूर से जा रहे हैं, जॉनाथन काफी ज्यादा ओपन में वो जाएंगे, स्पॉट वो ऑलरेडी कर चुके, स्काउट को डाउन किया, एंड अब गिल जो कि आखिरी उनको भी एलिमिनेट किया। टीम गॉडलाइक यहां पर अभी के लिए अपना पहला पायदान पूरी तरीके से